वेलकम टू माई चैनल। सो आज क्या है, आज मैंने ब्लॉग सोचा बनाते हूँ आज के लिए। आज कुछ है तो सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, बस बन गया, मैं नहाने जाऊँगी इसके बाद, फिर मैं मिलती हूँ उनसे। सो गाइस, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा आज कुछ, इसलिए मैंने सोचा आज का ब्लॉग बना के एक मेमोरी क्रिएट करता हूँ। तो यस, बताऊँगी आपको मुझे अच्छा क्यों मिला था। आते हुए ये पिक है, यहाँ से एक पिकअप करना है, जो पिक कर लेगा उसको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कोई पिक नहीं कर रहा है। सो मैं तैयार हूँ और मैं आपसे कहना चाहती थी ना कि आज मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, वो जा रहे हैं, बहुत कम टाइम के लिए आए थे। तो अभी वो जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रहती हूँ, मेरा बेटा और हम तीन ही अकेले। सो वो लोग आए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो नाउ अभी मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ गाइस, सो आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो ये थी बात कि मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। तो सुबह से मैं खाना वगैरह बना रही थी, तैयारी कर रही थी, उसके बाद नहाने के बाद खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वापस से तैयारी शुरू कर दी। और या नाउ एवरीथिंग इज़ डन, बस अब थोड़ी देर में चलने की तैयारी है, तो चलते हैं, चलिए। सो हम निकलने की तैयारी। हाँ, आ रही है क्या पापा? आ जाओ। नहीं, तुमको छोड़ के कैसे जाएंगे पापा? मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो मैं लेट उठी थी और बहुत अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। वन वीक के लिए पेरेंट्स आए थे और कल मैं उनको छोड़कर ड्रॉप कर कर आ गई थी, और बहुत जल्दी में थी, तो मैंने इस टाइम स्टेशन पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं की।
और उनको जब मैं जा रही थी छोड़ने तभी की थी, तो कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। सो अभी मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हो रही क्योंकि सुपर उठी, अभी जस्ट उठी हूँ एक घंटे पहले, और अब नाश्ता बनाऊँगी। और तो मेरे बच्चों और बड़ों के रहने से ना बहुत रौनक रहती है, तो बहुत रिलैक्स रहते हो। मैं मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, मैं आराम से सोकर उठ रही हूँ, कुछ मतलब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। अभी एकदम जब आप अकेले रहते हो ना तो आपको बहुत सारी टेंशन्स रहती है, ये भी करना है वो भी करना है, तो एक हाउसवाइफ समझ सकती है। तो मुझे भी वैसे ही लग रहा है कुछ, और मन तो कर मन नहीं कर रहा था उनको भेजने का, रोकने का ही दिल कर रहा था कि उन्हें और रोक लूँ, बट उनको जाना तो भेजना तो था, उनको रोक कब तक रोकते, आज नहीं कल तो जाना ही था। और काफ़ी टाइम बाद आए थे मेरे पेरेंट्स, तो इसीलिए मुझे बहुत बेकार सा लग रहा है, और आप समझ सकते होंगे, है ना। तो मैं और दीदी हैं बस, सो बस गाइस यही है। और कुछ वीडियोस वगैरह मैं सोच रही हूँ व्लॉग्स में, मुझे गाइस कैमरे के सामने कुछ बात करनी आती नहीं है और मुझे समझ में नहीं आता कि बोलूँ क्या, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती हूँ और बहुत सोचने लग जाती हूँ कि क्या बोलूँ। तो बस अपने दिल की बात शेयर करनी थी और बताना था कि अपनी फीलिंग्स मैं वर्ड्स में नहीं समझा सकती, लेकिन ये है कि हाँ, जब बड़े बुज़ुर्ग पेड़, जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, जो छाया देते हैं बहुत घनी, उसकी तरह होते हैं। तो घर में उनके रहने से एक बहुत तसल्ली सी रहती है कि हाँ सब ठीक है, चाहे कुछ ख़राब भी हो जाए, चाहे कुछ कैसा भी हो जाए, तो एक तसल्ली रहती है, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सो वही कुछ, तो थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे घर की बालकनी, जब मैं सोकर उठती थी तो मुझे मम डैड यहीं बैठे हुए मिलते थे, मेरी मम्मा और पापा। सो आई एम मिसिंग दिस थिंग मोस्ट।